आपको बताने वाले हैं स्प्लिट एसी में गैस चार्ज किस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि जीरो तरीके से, कि मतलब पूरा एकदम आसान भाषा में कि किस तरीके से हम लोग गैस चार्ज करते हैं। आर 22 नंबर का जो सिस्टम है उसके अंदर हमको गैस चार्ज करना है तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है जो कि इंडोर से पूरा मतलब टाइट किया हुआ फेयर नट के द्वारा, पाइप के द्वारा, और ये हमारा सक्शन लाइन है, ठीक है। और देखिए हमारा डिस्चार्ज लाइन का काम क्या होता है, प्रेशर को अंदर फेंक करके और ये सक्शन लाइन से क्या करता है, खींचने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग गैस चार्ज करना सीखेंगे। तो गैस चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड में हमारा चार्जिंग लाइन में हम लोग लगाए हैं यहाँ पे CH, यानी चार्जिंग लाइन है, ठीक है। तो चार्जिंग लाइन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी सिस्टम को हम लोग जोड़ने से पहले हम लोग आ नहीं कर नहीं रखेंगे, इसको आप ही रखेंगे, ठीक है। आप रख करके इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडिंग प्रेशर में इसमें कम से कम 15 या 20 PSI तक हम लोग इसमें गैस डाल देंगे, ठीक है। बंद पोजीशन में ही हम लोग डालेंगे 15 से 20 PSI तक। जब हम लोग डाल देते हैं इतना PSI तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, चालू करेंगे। चालू करने के लिए हम लोग रिमोट या जो भी रहेगा MCU वगैरह उससे हम लोग चालू कर देंगे। और चालू करके और यहाँ से धीरे धीरे हम लोग गैस को डालेंगे, लिक्विड में डालेंगे। ऐसे खड़ा करके हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, लिक्विड में ही गैस जाएगा, ठीक है। और अच्छी तरीके से हमारा कूलिंग भी करेगा। और कूलिंग ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा मतलब जब ये हमारा जब सिस्टम हमारा चलेगा तो ये क्या 60 से 70 या 80 PSI तक हमारा हो जाएगा। और उसके बाद से हम ये पाइप को टच करके चेक करेंगे हमारा मतलब ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हमारा इंडोर को भी चेक करेंगे, हमारा कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ से रिटर्निंग चेक कर लेंगे, अगर हमारा कूलिंग कर रहा है तो हम लोग उसी पे क्या करेंगे, 60 या 70 PSI तक हम लोग रोकेंगे। इसके लिए बना जमे थे नहीं तो जमे नहीं।